नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मि यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और कर्म कारक का थर्ड पार्ट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और आज जो है ये सूत्र हम करेंगे, ठीक है। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और बहुत सारी कार्य जो है इसमें वार्तिक भी इसमें काफ़ी हैं, और समझते हैं इस सूत्र को, ठीक है। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, आपको पता है कि कारक अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। कारक से संबंधित प्रश्न अनेक परीक्षाओं में आते हैं और फंसाने वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई भी कई बार कर दिया जाता है। तो अगर हम सिंपल तरीके से इन कारकों को समझ जाएंगे, क्रमशः हम पढ़ रहे हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, खासतौर से नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा आप देख लेंगे DSSB में भी जॉब्स आ चुकी हैं, TGT PGT और UP का जो LT और प्रवक्ता की जॉब्स हैं, वहाँ पर भी कारक बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, ठीक है। तो हाँ, समझने का प्रयास हम इसको कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अगला जो सूत्र है हमारा, वो आज का ही सूत्र है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कारणामणि कर्ता सणो, ठीक है। अब ये सूत्र जो है दिखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही सरल भी है, ठीक है। अब समझते हैं इसको। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखिए, कुछ तो धातुओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है, कि इन धातुओं में ही हमें प्रयोग करके देखने हैं। और जिन धातुओं में प्रयोग करके देखने हैं, बस हमें ये जानना है कि इन धातुओं में प्रयोग हमें कहाँ पर देखने हैं। तो इस सूत्र को समझने से पहले हम जो है एक विशेष बात को समझ लेंगे, और विशेष बात ये है कि धातुओं का प्रयोग कुछ प्रत्ययों में किया जाता है अर्थ को बदलने के लिए, ठीक है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें है गति, मतलब कि गत्यर्थक धातुएं, ऐसी धातुएं जिनका प्रयोग गति के अर्थ में किया जाता है। गति का मतलब गति करना, जैसे चल धातु है, चलते हैं तो गति हो रही है, धाव धातु है, जा रहे हैं, इण धातु है, इण गतौ धातु है, ठीक है, उसमें भी गति गत्यर्थक धातु है। तो ऐसी धातु है जिनका अर्थ गति में आता है, मतलब जो गति अर्थ में प्रयोग की जाती है, उन्हें कहते हैं गत्यर्थक धातु, ठीक है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बुद्धि के अर्थ में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। बुद्धि से संबंधित कुछ धातुएं होती हैं, जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। विद धातु है, जानना किसी चीज को। पठ धातु है, पढ़ना। तो ये बुद्धि से संबंधित जो धातुएं होती है, तो उन्हें बुद्ध्यर्थक धातुएं कहते हैं। तो गत्यर्थक धातुएं, बुद्ध्यर्थक धातुएं और प्रत्यवसानार्थ, ये अर्थ शब्द जो यहां पर आया है, ये तीनों के साथ आएगा, गत्यर्थ, बुद्ध्यर्थ और प्रत्यवसानार्थ। प्रत्यवसान कहते हैं भक्षण को। तो भक्षणार्थ जो धातुएं होंगी, जैसे अध धातु है, अध अध भक्षणी धातु है, अध माने खाना, या खाद धातु है आप देखिए, या भक्ष धातु है। तो ऐसी धातुएं जिनका अर्थ होता है खाना, भक्षण करना, ठीक है। तो ऐसी धातुओं के प्रयोग में, ठीक है, गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में, बुद्ध्यर्थक धातुओं के प्रयोग में और प्रत्यवसानार्थक धातुओं के प्रयोग में। इसके अलावा कह रहे हैं शब्द कर्म, शब्द कर्म एक तरह से सकर्मक धातुएं होगी, ठीक है। ऐसी धातुएं जिनका कर्म शब्द के रूप में विद्यमान हो, शब्द के रूप में उपस्थित हो वाक्य में, ठीक है। जैसे राम है पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर पुस्तक जो है वो कर्म है और पुस्तक एक शब्द भी है, तो शब्द के रूप में कर्म जहां पर विद्यमान हो, तो वहां पर शब्द कर्म है हो जाएगा। आगे कह रहे हैं शब्द कर्म और अकर्मक, अकर्म कारणाम, ठीक है। तो समास करके पूरा इन्होंने षष्ठी विभक्ति लास्ट में लगा दी है। और शब्द कर्म और अकर्मक धातु जो है, अकर्मक धातुओं के बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था कि ऐसी धातुएं जिनमें कर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे सी शगिनी धातु है, सोना, हंसना, रोना, ठीक है, इनमें कर्म नहीं होता है, अकर्मक धातुएं ये कहलाती हैं। तो ऐसी धातुएं, अभी जो आगे का जो पार्ट है, अकर्म काणम अणिकर्ता सर्णो, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपने समझना है, ठीक है, और इसी पर आप फोकस करेंगे फिलहाल इस सूत्र को समझने में। अभी तक हमें यह जाना है कि गत्यर्थक धातुएं, बुद्ध्यर्थक धातुएं, प्रत्यवसानार्थक धातुएं और शब्द कर्म धातुएं और अकर्मक धातुएं, बस अभी हमने इतना जाना है। आगे जो जानने की चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहा है अणिकर्ता चरणों, यदि हम जब हम जो लघु सिद्धांत कौमुदी में यम ऋजंत ण्यंत इनके बारे में पढ़ेंगे, यगंत संगंत धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, उस प्रकरण को जब हम जानेंगे, तो वहां पर उसमें एक जो महत्वपूर्ण एक प्रकरण है, वह है ण्यंत प्रकरण, ऋजंत प्रकरण जिसे कहा जाता है। और उसमें जो रूप बनता है वो इस तरह से बनता है, जैसे मान लीजिए धातु क्या है, पठ धातु है, और पठ धातु का रूप बनता है पठति, माने पढ़ता है, ठीक है। बालक है पुस्तकम पठति, बालक
पुस्तक पढ़ता है। अब पठति हो गई क्रिया, और इसका एक करता है, इस क्रिया को करने वाला कोई है, वो है बालक, ठीक है। लेकिन जब हम बोलेंगे पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाने में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? उस अर्थ को बताने के लिए ण्यन्त प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पठति माने पढ़ता है, और जब हम हमें कहना है पढ़ाता है, तो वहां पर ण्यन्त प्रत्यय का प्रयोग करके रूप बनता है पाठयति, मतलब णिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और बनता है पाठयति। और इस तरह से जो रूप बनता है वो तब पाठयति का मतलब क्या बनता है? पढ़ाता है, ठीक है। तो पठति माने पढ़ता है, पाठयति माने पढ़ाता है, खादति माने खाता है, खादयति माने खिलाता है, ठीक है। करोति माने करता है, और कारयति माने करवाता है। तो इस तरह से णिच प्रत्यय का प्रयोग करके धातुओं का अर्थ जो है वो प्रेरणा अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। प्रेरणा का मतलब करवाने वाला, खिलाने वाला, इस तरह जो होता है, ठीक है। तो अब यहां पर धातुएं दो प्रकार की हो गई। एक तो वे धातुएं जिनमें णिच प्रत्यय लगा हुआ है, वो धातुएं क्या हो गई? ण्यन्त हो गई। और जिन धातुओं में णिच प्रत्यय नहीं लगा है, वो क्या हो गई? अण्यन्त हो गई। मतलब एक ही धातु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, एक ण्यन्त अवस्था और एक अण्यन्त अवस्था। अण्यन्त अवस्था है जो सामान्य है, रूप उसके चलते हैं पठति, है ना, लिखति, खादति, पिबति। और जब उसमें हम ण्यन्त मतलब णिच प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे तो वो ण्यन्त धातु बन जाएगी, और उसका अर्थ हो जाएगा प्रेरणा के अर्थ में, ठीक है। पढ़ाता है, खिलाता है, सुलाता है, ठीक है, दौड़ाता है, इस तरह से पाठयति, धावयति, खादयति। तो ये ऐसे रूप बन जाएंगे। तो दो, एक धातु की दो अवस्थाएं हो गई, ण्यन्त अवस्था और अण्यन्त अवस्था, ठीक है। ण्यन्त अवस्था वो जिसमें णिच प्रत्यय लगा हुआ है, और अण्यन्त अवस्था वो जिसमें णिच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अब यहां पर कह रहे हैं अणिकर्ता, ऐसी अवस्था का प्रयोग। अणि मतलब णिच प्रत्यय जहां पर नहीं लगा हुआ है, मतलब कि अण्यन्त अवस्था की धातु जो है, ठीक है, अण्यन्त अवस्था की धातु जो है, उसका रूप जो है, उसका जो कर्ता होगा वह कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म बन जाएगा। इतना सा बस ये सूत्र कह रहा है, बात समझ में आई? एक उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, हमने कहा राम है, पुस्तकम पठति, सबसे सिंपल उदाहरण लेके चलते हैं। अब यहां पर पठति अण्यन्त अवस्था का प्रयोग है, इसमें णिच प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यह अण्यन्त धातु है। पुस्तकम इसका है कर्म यहां पर, और राम है जो है इसका कर्ता है, ठीक है। अब हम इस पठति मतलब कि अण्यन्त धातु में णिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और णिच प्रत्यय करके रूप बन जाता है पाठयति, ठीक है। तो यहां पर इस पाठयति, इस पठति का जो कर्ता था राम है, वो यहां पर कर्म बन जाएगा, रामम। और पुस्तकम तो मुख्य कर्म है ही, पुस्तकम। और यहां पर हमें एक इसके प्रयोजक का, ठीक है, इस पाठ पढ़ाने वाले का अध्यार करना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं शिक्षक, कह सकते हैं शिक्षक या आचार्य है रामम पुस्तकम पाठयति, ठीक है। तो अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में क्या बन गया? कर्म बन गया। शिक्षक है रामम पाठयति, शिक्षक है रामम पुस्तकम पाठयति, और कर्ता तो दूसरा होगा जो उस क्रिया को करवाने वाला होगा, ठीक है। तो सिंपल आप समझ गया अर्थ को, कि अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म बन जाएगा, लेकिन सब जगह नहीं बनेगा, केवल गत्यर्थक धातुओं में, बुद्ध्यर्थक धातुओं में, प्रत्यवसानार्थक धातुओं में, शब्द कर्म में, और अकर्मक धातुओं में, कुछ अकर्मक धातुओं में अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्म बन जाएगा। बस ये इस सूत्र का कहने का तात्पर्य था। अब जो है इसकी जो वृत्ति है, जो भट्टोजी दीक्षित ने अच्छी तरीके से बताया है, इसको हम समझते हैं। अब इसी सूत्र का जो अर्थ है उसको एक श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कह रहे हैं शत्रु न गमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत,
आशगत चामृतम देवान वेद मध्यापयत विधिम आशगत सरिणी पृथ्वीम यह समय श्री हरिर गति कहा गया है ना। शत्रु नगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग भेजा। अगर हम इसको सिंपल वाक्य में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, शत्रुवः स्वर्गम अगच्छन्। ठीक है, शत्रु स्वर्ग गए, लेकिन जब हम णिजन्त कर देंगे, ठीक है, गम धातु है, गत्यर्थक धातु है, ठीक है, तो अगर हम इसको णिजन्त प्रत्यय करके इस सूत्र के माध्यम से यदि हम प्रयोग करेंगे तो शत्रुन अगमयत, नहीं ठीक है, शत्रुओं को जो है भेजा स्वर्ग। और वेदार्थम स्वान अवेदयत, वेद के अर्थ को स्वान, स्वान माने अपने स्वजनों को, अपने बंधुओं को जो है समझाया, ठीक है। और आशिक चामृतम देवान, ठीक है, देवताओं को क्या किया, अमृत दिलाया। वेद मध्यापयत विधिम, विधि माने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, ठीक है। आशयत सल्ले पृथ्वी, मतलब पृथ्वी को जल में जो है स्थापित किया, और ऐसे जो हरि हैं उनमें मेरी गति होए, ठीक है, उनके चरणों में मैं उनकी वंदना करता रहूं, ये इस कहने का, इस श्लोक का कहने का मतलब है। लेकिन हमें उदाहरण यहां से लेने हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पर इस श्लोक को जो है इस सूत्र के अर्थ के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिंपल वाक्य में सब चीजें जो सामान्य हो रही थी, लेकिन इनका जो कर्ता था जब ण्यंत अवस्था में प्रयोग किया गया तो उनका कर्ता क्या हो गया, कर्म बन गया, ठीक है। शत्रवः अगमयत, कर्ता थे, शत्रु गए स्वर्ग, लेकिन जब हरि ने उनको स्वर्ग भेजा तो हरि कर्ता हो गया, शत्रु क्या हो गए, कर्म हो गए, ठीक है। स्वान वेदयत, यदि हम बोलेंगे स्वजन है या स्वजनाः वेदार्थम अपठत, कि स्वजनों ने अपठन, अपठत अपठताम अपठन, ठीक है, स्वजनों ने जो है वेद के अर्थ को पढ़ा, तो यहाँ पर स्वजन कर्ता थे, लेकिन हरि ने उनको पढ़ाया या उनको समझाया तो कर्ता क्या हो गया, कर्म हो गया। उसी प्रकार अन्य भी जगह आप देखिए, ठीक है, तो अण्यंत अवस्था का कर्ता जो है वो अण्यंत अवस्था में कर्म बन जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है, सिर्फ इन इन जगहों में, गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म और अकर्मक धातुओं में, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं गति आदि इत्यादि किम, इसमें जो गति लिखा वो क्यों लिखा, गति आदि, गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्म अकर्मक, ये क्यों लिखना पड़ा। सीधे कह देते अणिकर्ता शरणव सूत्र था, छोटे सी छोटी बात को कह देते अणिकर्ता शरणव, अण्यंत अवस्था का कर्ता जो है वो कर्म बन जाए, इतना कह देते। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक, ये कहने की आवश्यकता क्या थी। तो कह रहे यदि हम ऐसा कर देते कि सीधे अण्यंत अणिकर्ता शरणव सिर्फ इतना लिख देते, तो कह रहे पाचयत्योदनम देवदत्तेन, ये रूप नहीं बन पाता, ठीक है। क्यों नहीं बन पाता, देवदत्तेन ओदनम पाचयति, ये जो वाक्य बना है इसमें क्या होता, पचति जो है वो है अण्यंत अवस्था, ठीक है, णिच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। पाचयति जो है वो है ण्यंत अवस्था जिसमें णिच प्रत्यय लगा हुआ है, और अण्यंत अवस्था का कर्ता ही कर्म बन जाए, ये इसका कहने का मतलब होता। अणिकर्ता सुनो, यदि इतना ही सूत्र होता तो, और अण्यंत अवस्था का कर्ता इसमें देवदत्त था तो वो ये कर्म बन जाता, ठीक है। और यदि ये कर्म बन जाता तो देवदत्तम ओदनम पाचयति, ये जो है वाक्य गलत बन जाता, अशुद्ध हो जाता, ठीक है। इसलिए कहा कि हर किसी धातु का कर्ता जो है वो कर्म नहीं बन जाएगा अण्यंत अवस्था में, सिर्फ गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म और अकर्मक धातुओं का कर्ता ही जो है कर्म बनेगा। अब यहाँ पर जो पच धातु है ये न तो गत्यर्थक है, न बुद्ध्यर्थक है, न प्रत्यवसानार्थक है, ठीक है, पकाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, गमन नहीं हो रहा है, कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है, खाना नहीं खा रहे इसमें, भक्षण नहीं है, पकाना एक दूसरी क्रिया है, खाद्यति होता तो देवदत्तम हो जाता, इसलिए कहा गया गति आदि। इसलिए सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मक, ये जो है शब्द, इन शब्दों को रखा गया। यदि ये शब्द नहीं रखते तो अणिकर्ता सुनो इतना ही सूत्र होता और उसका अर्थ हो जाता अण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म बन जाए, और यहां पर भी पचति का जो पाचगति बना है ण्यंत अवस्था में देवदत्तम में कर्म हो जाता जो कि अशुद्ध रूप बन जाता, इसलिए कहा गया गत्यादि गति बुद्धि आदि इन शब्दों को यहां पर रखा गया, ठीक है। और पच धातु न तो गत्यर्थक है, न बुद्ध्यर्थक है, न प्रत्यवसानार्थक है, इसलिए इसका कर्ता जो देवदत्त था वो क्या हुआ, उसमें कर्म नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि वो एक क्रिया कर रहा था, भोजन पकने में सहायक जो है वो देवदत्त है, इसलिए
उसमें करण हुआ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अण्यन्ता नाम किम। ठीक है, ये जो कहा गया है अण्यन्त अणिकर्ता, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों अभी तक हमने जो जो चीजें समझी हैं वो ये कि एक तो सामान्य अवस्था जो है, ठीक है, जिससे कि अण्यन्त अवस्था कहते हैं, जिसमें णिच प्रत्यय नहीं लगा है, उसके बाद जब उसमें णिच प्रत्यय लग जाएगा तो वो हो जाएगी ण्यन्त अवस्था। ठीक है, अण्यन्त अवस्था का कर्ता जो होगा ये ण्यन्त अवस्था में कर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे बालकः पठति, ये पठति इसमें पठ धातु में णिच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये अण्यन्त अवस्था का है, तो बालक यहाँ पे करता है, पठ यहाँ पर क्रिया है, लेकिन हम पठ धातु में णिच प्रत्यय लगा देंगे और रूप बन जाएगा पाठयति। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, जो करता है इस अण्यन्त अवस्था का बालक, वो इण्यन्त अवस्था में मतलब कि णिच प्रत्यय लगने के बाद कर्म बन जाएगा। ठीक है, बालकम पाठयति, तो बालकम पाठयति बालक को पढ़ाने वाला कोई होगा। ठीक है, बालक को पढ़ाता है और पढ़ाने वाला जो होगा उसे हम कहेंगे प्रयोजक, जैसे हम कह सकते हैं शिक्षक है बालकम पाठयति। तो इस अण्यन्त अवस्था में ये प्रयोजक क्या होगा, ये प्रयोजक ही कर्ता बन जाएगा, और जो अण्यन्त अवस्था का कर्ता है वो अण्यन्त अवस्था में प्रयोज्य बन जाएगा, यानी कि कर्म बन जाएगा, जिसको जिसको जो है जिससे कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको खिलाया जा रहा है, खिलाने वाला जो होगा यहाँ पर कर्ता बन जाएगा। ठीक है, अब जब इस अण्यन्त अवस्था में जो कर्ता बना, ठीक है, शिक्षकः बालकम् पाठयति, शिक्षक बालक को पढ़ाता है, तो ये शिक्षक या जो ये इस अण्यन्त अवस्था का जो कर्ता है वो अण्यन्त अवस्था में तो नहीं था। ठीक है, वो अण्यन्त अवस्था का कर्ता तो नहीं था, अण्यन्त अवस्था कर्ता तो ये था, प्रयोज्य था, जो यहाँ पर कर्म बन गया है। ठीक है, बालक जो यहाँ पर कर्म बन गया है, प्रयोज्य बन गया है, अण्यन्त अवस्था का कर्ता यहाँ पर कर्म बन गया, लेकिन अण्यन्त अवस्था का कर्ता अण्यन्त अवस्था में कर्ता तो नहीं था। ठीक है, उसी चीज को यहां पर आगे बता रहे हैं कि अण्यन्ता नाम किम। इस सूत्र में जो अणि कहा, अणिकर्ता जो ही कहा, ये क्यों कहा? ठीक है, तो वो इसीलिए कहा कि अण्यन्त अवस्था के कर्ता की तो अण्यन्त अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, ठीक है, लेकिन अण्यन्त अवस्था के बाद जो कर्ता बना है उसकी फिर कर्म संज्ञा नहीं हो। ठीक है, जैसे अब यहां पर तीन हमारे पास करेक्टर हैं, एक है यज्ञदत्त, एक है देवदत्त और एक है यहां विष्णुमित्र। ठीक है, अब यहां पर एक जो सामान्य वाक्य है वो ये है कि यज्ञदत्त गच्छति, एक वाक्य है। ठीक है, आप इसको यहां पर मैं लिख देता हूं, यज्ञदत्त है गच्छति, ये सामान्य वाक्य है, इसमें गच्छति क्रिया है, यज्ञदत्त जो है वो कर्ता है, उस क्रिया को करने वाला है, और एक सामान्य वाक्य है, ये अण्यन्त अवस्था है, अभी णिच प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमने इस गम धातु में णिच प्रत्यय का प्रयोग किया और णिच प्रत्यय करने के बाद ये बन गया गमयति, और ये जो अण्यन्त अवस्था का कर्ता यज्ञदत्त था ये यहां पर बन गया कर्म यज्ञ दत्तम, यानी कि प्रयोज्य, और इस प्रयोज्य का कोई प्रयोजक होना चाहिए, वो प्रयोजक है देवदत्त। ठीक है, ये देवदत्त जो है इसका प्रयोजक है, तो देवदत्त यज्ञदत्तम गमयति, कि देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, अब यदि इस देवदत्त को भी किसी के द्वारा प्रेरणा मिल रही हो, ठीक है, तो क्या इस देवदत्त में भी हम कर्म संज्ञा करेंगे? ये यहां पर प्रश्न है कि यदि इस देवदत्त को भी किसी और के द्वारा प्रेरणा मिल रही हो, जैसे कि विष्णुमित्र के द्वारा, अगर हम ये बोलें कि विष्णुमित्र के कहने पर देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भेजा जाता है, ठीक है, तो यज्ञदत्त में तो कर्म हो ही गया, तो क्या देवदत्त में भी हम कर्म करेंगे? तो वही यहां पर बताया गया है कि नहीं, अण्यन्त अवस्था का जो कर्ता है, क्योंकि वह अण्यन्त अवस्था का कर्ता नहीं था इसीलिए इसमें कर्म संज्ञा नहीं होगी, कर्म संज्ञा उसी की होगी जो अण्यन्त अवस्था का कर्ता होगा, और अण्यन्त अवस्था का कर्ता जो है यज्ञदत्त था, इसलिए इसी की कर्म संज्ञा होगी, देवदत्त तो ण्यन्त अवस्था का कर्ता है, इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, और इसीलिए यहां पर रूप क्या बनेगा,
इसमें इसमें क्या करेंगे फिर हम, इसमें हम कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया कर देंगे, ठीक है, और विष्णुमित्र यहां पर कर्ता प्रयोजक बन जाएगा, ये प्रयोजक बन जाएगा, विष्णुमित्र कर्ता बन जाएगा, तो बन जाएगा विष्णुमित्र है देवदत्तेन यज्ञदत्तम गमयति, विष्णुमित्र के कहने पर, ठीक है, विष्णुमित्र देवदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को भिजवाता है, ठीक है, या भेजता है इस तरह से, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो अण्यंता अवस्था का कर्ता होगा, ण्यंत अवस्था में उसी की कर्म संज्ञा होगी, ण्यंत अवस्था के कर्ता की जो जो है कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, बस यही कहने का यहां पर मतलब था। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं निवह्योर न, ठीक है, ऊपर कहा गया था कि गत्यर्थक धातु में, धातुओं के प्रयोग में अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, ठीक है, लेकिन यहां पर दो धातुएं हैं, एक है नी और एक है वह, ये दोनों ही धातुएं गत्यर्थक धातुएं हैं, और गत्यर्थक धातुआ होने के कारण इनका जो कर्ता होगा वो अण्यंतावस्था में क्या हो जाएगा, कर्म बन जाएगा। लेकिन यहां पर वार्तिक ये कह रहा है अध्ययन का कि नी और वह धातु के प्रयोग में इनका जो कर्ता होगा वो ण्यंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, इसलिए क्या रूप बना, नायति वाहयति वा भारम भृत्येन। इसका सिंपल सेंटेंस था भृत्यः भारम वहति, ये सिंपल सेंटेंस था अण्यंत अवस्था में, तो यहां पर ये कर्ता हो गया भृत्य, ये क्रिया कर रहा है, ये अण्यंत अवस्था की क्रिया है, ठीक है, जब क्योंकि वह धातु जो है, ये जो धातु वह धातु ये गत्यर्थक है, और गत्यर्थक होने के कारण इसका जो कर्ता है अण्यंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा हो जानी थी, जब हम वहन करवाता है, जब हम ये अर्थ लेते तो वाहयति यहां पर बनता है, ठीक है, उसी प्रकार नायति बनता है नी धातु में, ठीक है, तो यहां पर इनका जो कर्ता है भृत्य, इसकी कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी, इसको कर्म हो जाना चाहिए था, और द्वितीय लग जानी थी, भृत्यम वारम भारम वहति हो जाता, वाहयति हो जाता, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नी और वह धातु का प्रयोग जब होगा तो इनके अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, और इसीलिए यहां पर क्या बना, नायति भृत्येन भारम नायति, भृत्येन भारम वाहयति, इस तरह से रूप बना, भृत्यम नहीं बना, ठीक, कर्तृकरणयोः तृतीया से यहां पर भी तृतीया ही हो गई, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि गत्यर्थक धातुओं के प्रयोग में भले ही उनके अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, लेकिन जब नी और वह धातु का प्रयोग होगा तो उनके अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। आगे कह रहे हैं नियंत्रित कर्तृकस्य वहेर अनिषेध है, अब नी और वह धातु में से वह धातु को ले लिया है, ठीक है, कह रहे कि यदि वह धातु का प्रयोग होगा और वह धातु का जो कर्ता होगा वो नियंता होगा, नियंता का मतलब क्या, सारथी होगा या चालक होगा, ठीक है, नियंता उसे कहा गया है, नियंता होगा, जब वह धातु का कर्ता नियंता हो या सारथी हो या चालक हो तो इस वह धातु के कर्ता की कर्म संज्ञा अण्यंत अवस्था में हो जाएगी, ठीक है, नी और वह धातु के प्रयोग के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था नहीं होगी, ऐसा हमें कहता है नी वही और न, लेकिन नियंत्रित कर्तृकस्य वहेर निषेध है जो वार्तिक है, ये बताता है कि यदि वह धातु का कर्ता चालक हो, सारथी हो, ठीक है, नियंता हो, नियंत्रित कर्तृकस्य, ठीक है, नियंता कर्ता हो, तो वह धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में जो कर्म संज्ञा होने का निषेध हो रहा था वह नहीं होगा, इसमें जो है इसके कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और यहां पर क्या बनेगा, वाहयति रथम वाहान सूत है, ये घोड़ों को कहते हैं वाहाहा, तो ये वाक्य क्या था, वाहाहा रथम वहति, ठीक है, मतलब घोड़े जो हैं वो रथ को खींचते हैं, अब वह धातु का कर्ता कौन था, वाहा घोड़े थे,
लेकिन जब हमने वह धातु में णिच प्रत्यय का प्रयोग किया और ऋणंत अवस्था में स्वरूप बना वाहयति, तो इनका कोई प्रयोजक भी होना चाहिए, वाहा, ठीक है, ये कर्म बन गए। और मतलब कि वह धातु के प्रयोग में जो है इनकी कर्म संज्ञा नहीं हो रही थी, नी वही और नो कह रहा था कि वह धातु के प्रयोग में कर्ता की जो है कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है, इसलिए यहां पर भृत्येन बना था। लेकिन जब इन वाहा मतलब इन घोड़ों का जो कर्ता होगा, जो प्रयोजक होगा, वो यदि कोई चालक होगा, जैसे कि सारथी, सूथ, सूतः, सूत सारथी को बोलते हैं, और सारथी जो होता है वो नियंता होता है, चालक होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि वह धातु का जब प्रयोग होगा और उसका निरंतावस्था का कर्ता जो प्रयोजक होगा, वो यदि सारथी हो, चालक हो, ठीक है, नियंता हो, मतलब नियंत्रण करने वाला हो, तो कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो नी वही और नौ सूत्र वहां पर काम नहीं करेगा, वहां पर नियंत्रित कर्तृक शिव हिरण सिद्ध से कर्म संज्ञा जो नहीं हो रही थी उसका निषेध हो जाएगा और कर्म संज्ञा हो जाएगी। और वह धातु का कर्ता जो वाहा थे, इनका इनमें कर्म संज्ञा हो जाएगी और क्या बनेगा, वाहन, ठीक है, वाहयति रथम वाहन सूत है, इस प्रकार से कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। तो वह धातु और नी धातु के प्रयोग में गतार्थक धातु होने के नाते इनमें पहले जो है कर्म संज्ञा प्राप्त थी, ठीक है, इनके कर्ता की कर्म संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन नी वही और न सूत्र ने कहा कि नहीं, नी और वह धातु के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, लेकिन नियंत्रित कर्तृकस्य वही रणी से सूत्र ने कहा कि हाँ भले ही न हो, लेकिन वह धातु का कर्ता यदि नियंता होगा, नियंत्रण करने वाला होगा, तो वह धातु के कर्ता की भी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसका उदाहरण है वाहयति रथम वाहन सूत है। आगे देखते हैं आदि खाद्योर्न। अब यहां पर एक प्रत्यवसानार्थ जो आया है, इसका मतलब क्या था कि खादनार्थक जो धातु है, भक्षण करना, ठीक है, खाने वाली जो अर्थ वाली जो धातु हैं, उनके भी अण्यंत अवस्था के कर्ता के अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाए। तो यहां पर वही करें आदि खाद्योर्न, एक धातु है अदभक्षणे और एक यहां पर खाद धातु तो है ही, खादति बनता है उसमें, तो ये दोनों प्रत्यवसानार्थ धातुएं हैं। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि भले ही प्रत्यवसानार्थ धातुओं के प्रयोग में उनके अण्यंतावस्था की कर्ता के अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, लेकिन अध धातु और खाद धातु के प्रयोग में इनके अण्यंतावस्था के की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या बना, वटुहु अन्नम खादति वहां पर था, तो जब अण्यंतावस्था एक खादयति बना या आदयति बना, बटुना हुआ, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हुई, न कि प्रत्यवसानार्थ के चलते इसमें कर्म हो गया, कर्म नहीं हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया हो गई, क्योंकि कर्म प्राप्त था लेकिन आदि खाद्य और नवार्तिक ने निषेध कर दिया कि आदि धातु और खाद्य धातु के प्रयोग में इनके अनियंतावस्था के कर्ता के अनियंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, इसलिए रूप क्या बना, आदयति अन्नम बटुना, या फिर खादयति अन्नम बटुना, बटुम नहीं बना। बटु बोलते हैं जो भिक्षा मांगने वाले बाल ब्रह्मचारी जो होते हैं, ठीक, गुरुकुलों में रहते हैं और जब भिक्षा मांगने आते हैं तो उनको बटु कहते हैं, श्याम बटु, गौर बटु, आपने शिवराज विजय में पढ़ा होगा, दो शिष्य हैं उनके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे भक्षे रहिंसार्थस्य न, भक्ष धातु का प्रयोग हो, ये भी प्रत्यवसानार्थ धातु है, भक्ष धातु, ठीक है, भक्ष का मतलब भी भक्षण करना, खाना ही होता है, लेकिन भक्ष धातु का प्रयोग जब अहिंसा के अर्थ में किया जा रहा होगा, भक्ष धातु का प्रयोग जब अहिंसित पदार्थ को खाते वक्त किया जा रहा होगा, तो वहां पर भी उसके अण्यंतावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। अब भक्ष धातु का मतलब जैसे भक्षति होता है, तो लगता है कि भक्ष का मतलब कोई मतलब हिंसात्मक कोई चीज खा रहा है, ठीक है, जैसे मांस खा रहा है, ठीक है, नॉनवेज इस तरह से कोई चीज खा रहे हैं, तो उसमें भक्ष धातु का प्रयोग किया जाता है, मांसम भक्षति, भक्षण कर रहा है, अन्नम खादति, अन्न खा रहा है। तो यदि भक्ष धातु का प्रयोग अहिंसा के लिए किया जाएगा, जब हिंसा के लिए किया जाएगा, मांस आदि के लिए किया जाएगा, तब तो उसके अनंत अवस्था के कर्ता के अनंत अवस्था में कर्म संज्ञा होगी ही होगी, लेकिन यदि उसका प्रयोग किसी अहिंसित पदार्थ को खाने के लिए किया जाएगा, तो वहां पर उसके जो है अनियंतावस्था की कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि भक्षयति अन्नम बटुना, अब अन्न जो है वो कोई हिंसित पदार्थ नहीं है,
ठीक है, और हिंसित पदार्थ न होने के कारण ऋणित अवस्था होने के बावजूद इसके कर्ता की, ठीक है, अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में आने के बावजूद कर्म संज्ञा नहीं हुई, बल्कि कर्तृकरणी और तृतीया से तृतीया हो गई। निषेध किसने किया? भक्ष्य हिंसार्थस्य न, कि भक्ष धातु के प्रयोग में अहिंसा वाली चीज कोई खाई जाएगी, बिना हिंसा किए जब कोई चीज का जो है ग्रहण किया जाएगा, तो वहां पर उसके अनंत अवस्था की कर्ता की अनंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। अहिंसा अर्थस्य किम, अहिंसा कहने से क्या मतलब है तुम्हारा? यहां तो ऐसा अगर प्रश्न होता है तो कह देंगी भक्ष्यति बलि वरदान, ठीक है, सस्यम। अब यहां पर भी सस्य सस्य माने होता है अन्न, और अन्न तो हिंसित नहीं है, ठीक है, अन्य तो कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पर अन्नम के चलते, अहिंसित पदार्थ के चलते ही बटना हुआ है, बटुम नहीं हुआ है। तो यहाँ लेकिन फिर यही इसी सस्यम, इसी अन्न के चलते भक्षयति के प्रयोग में बलि वरदान द्वितीय कर्म संज्ञा क्यों हो गई? इसमें भी बलि वरदा ही होना चाहिए था, तृतीया होनी चाहिए थी कर्तृकरण उस तृतीया से, क्योंकि अन्न तो कोई हिंसित पदार्थ नहीं है। तो वहां पर यही कह रहे हैं कि जो है उस ये माना जाता था कि यदि किसी दूसरे के खेत में यदि अपने बैलों को तुम छोड़ते हो, दूसरे के अन्न का नाश करते हो, तो उसे हिंसा माना गया है, ठीक है। मान लो किसी के खेत में लहलहाती फसल हो रही है और तुमने उस पर आग लगा दी, अपने जानवर उसमें छोड़ दिए, तो वो एक प्रकार का हिंसित कार्य कहा जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने यही किया है, अपने बैलों को बलि वरदान, अपने बैलों को दूसरे के खेत में छोड़ दिया और उसने पूरा खेत दूसरे का चर लिया, तो वो एक प्रकार की हिंसा मानी जाएगी, ठीक है। तो बलि वरदों ने भक्षण कर लिया दूसरे के अन्न का, तो हिंसा मानी जाएगी, और हिंसित कार्य होने के नाते ये जो भक्ष धातु का प्रयोग है इसका हिंसा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसके अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बावजूद इसमें लग जाएगी द्वितीया, और इसलिए बलि वरदान भक्षयति सस्यम ये रूप बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं जल्प जल्पति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। अब यहां से आगे जो है सूत्र में कहा गया है कि गति गत्यर्थक धातुएं होंगी, जो बुद्ध्यर्थक धातुएं होंगी, या प्रत्यवसानार्थक धातुएं होंगी, या शब्द कर्म धातुएं होंगी, या अकर्मक धातुएं होंगी, उन्हीं के अण्यंतावस्था के कर्ता के अण्यंत अवस्था में जो है कर्म संज्ञा हो जाए। लेकिन इसके इनके अलावा भी कुछ धातुएं और ऐसी हैं जिनकी उपस्थिति में, जिनके प्रयोग में, उनके भी अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। तो उन्हीं अब कुछ धातुओं के बारे में बताया जा रहा है जो कि सूत्र में नहीं आई है, लेकिन वार्तिक के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक वार्तिक है, देखिए, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। ये जलपति प्रभृति मतलब जलपति और इस तरह की कुछ और धातुएं, ठीक है, जलपति आभासते विलपति ये कुछ धातुएं हैं, ठीक है। प्रभृति नाम का मतलब यहाँ पर दिया तो नहीं गया है, लेकिन वही है, पाणिनि व्याकरण पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि जलपति के अलावा और कौन कौन से ऐसी धातुएं हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा आपको, बस यही धातुएं पूछी जाएंगी अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो। तो जलपति प्रभृति नाम, जलपति आदि जो धातुएं हैं इनके प्रयोग में भी इनके अण्यंत अवस्था की कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाए, और यही यहाँ पर दिया है जलपयति भाषयति, भाष धातु भी जो है वो जलपति प्रभृति धातु में आ जाती है, ठीक है, जलपति आदि धातुओं में आ जाती है। जलपयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्ते, ने ये धर्मम है। अब यहाँ पे सामान्य वाक्य क्या था? पुत्र धर्मम जलपति, पुत्र जो है वो धर्म को कहता है। अब इस जल्प धातु का कर्ता कौन है? पुत्र है। लेकिन जब इस जल्प धातु में हमने ऋणिज प्रत्यय किया, ये तो अण्यंत अवस्था हुई, अब हम ऋणिज प्रत्यय करेंगे तो अण्यंत अवस्था हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? जलपयति बन जाएगा। और जब जलपयति बन गया तो इस पुत्र को जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक से क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है, इसके कर्ता की कर्म संज्ञा हो गई और पुत्र बन गया। और इनका प्रयोजक कौन बना? मान लीजिए देवदत्त को ही ले लीजिए, देवदत्त इनका पिता है, ठीक है, देवदत्त इनका पिता है। तो देवदत्त है, पुत्रम धर्मम जलपति जलपयति इस तरह से रूप बनेगा, ठीक है, या फिर देवदत्त है पुत्रम धर्मम भाषयति इस तरह से रूप बनेगा, ठीक है। तो जल्प आदि जल्प भास, ठीक है, विलपति इन धातुओं के प्रयोग में भी इनके अण्यंतावस्था की कर्ता की अण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहे हैं दृशेश्च, ये एक वातिक है, ठीक है, और
इसका मतलब यह है कि दृशेश्च मतलब दृश्य धातु के प्रयोग में भी दृश्य धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, जैसे कि दर्शयति हरिम भक्तान, ये है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तु तद विशेषार्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते। सूत्र में जो कहा गया है गत्यर्थक और बुद्ध्यर्थक धातुएं, तो जो बुद्ध्यर्थक धातुएं हैं उसमें बुद्धि से ले जो तात्पर्य है वो ज्ञान सामान्य को लेकर है, ठीक है, ज्ञान विशेष को लेकर नहीं है। ज्ञान सामान्य का मतलब क्या है? पढ़ना, जो हमें देखा जो हम देख रहे हैं ये पढ़ना जो है ज्ञान सामान्य है, ठीक है। और ज्ञान विशेष क्या हुआ? स्मरण करना, इंद्रियों का जो कार्य होगा, यहां पर हम इंद्रिय जनित ज्ञान कह सकते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान मतलब इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान, इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान जो होगा, ठीक है, जैसे स्मरण करना, सूंघना, ठीक है, उसको जो है देख देख कर कोई ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान जो होता है, प्रमाणों का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम ज्ञान विशेष कहेंगे, ठीक है। और पढ़ना लिखना, किसी के द्वारा आज्ञा देना, इस तरह की चीजें जो है हम इनको ज्ञान सामान्य कहेंगे, ठीक है। तो या पढ़ाना, तो ज्ञान सामान्य की बात सूत्र में कही गई है, ज्ञान विशेष की बात सूत्र में नहीं कही गई है। वो यहां पर कह रहे हैं कि सूत्र में जो बुद्धि शब्द आया है उसका मतलब ज्ञान सामान्य से है, ज्ञान सामान्य अर्थानामेव ग्रहणम, उन्हीं का ग्रहण किया गया है, ज्ञान के विशेष अर्थ का ग्रहण वहां पर नहीं किया गया है, ऐसा वहां पर हमें समझना चाहिए। अनेन ज्ञाप्यते, बुद्धि शब्द से हमें यह समझना चाहिए। इसीलिए जब रूप बना तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम, तो यहां पर जो है इनके अण्यंत अवस्था के कर्ता के अण्यंत अवस्था में जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई, ठीक है। स्मृति धातु है, स्मरण करना, स्मरण करना मन का काम है, ठीक है, बुद्धि का काम है, तो ज्ञान विशेष हो गया। और इसके प्रयोग में ये बुद्ध्यर्थक धातु थी लेकिन ज्ञान विशेष को बताने वाली थी, इसलिए इसके अण्यंत अवस्था में कर्ता की अण्यंत अवस्था में जो है कर्म संज्ञा नहीं हुई, और उसकी कर्तिकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति उसमें लगी, और इसलिए रूप बना देवदत्तेन, देवदत्तम नहीं बना, देवदत्तेन स्मारयति, देवदत्त को स्मरण कराया जाता है, देवदत्तेन घ्रापयति, ठीक है, देवदत्त के द्वारा सुहा, ठीक है, सुहाया जाता है, इस तरह से, ठीक है। घ्रा धातु जो होती है सूंघने के अर्थ में होती है, ठीक है। और जब इनका सामान्य अण्यंत अवस्था में प्रयोग किया गया तो तब इनके जो कर्ता थी उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं हुई। देवदत्त स्मरति, देवदत्त जिघ्रति, जब इनका अण्यंत अवस्था में प्रयोग किया गया तो देवदत्तम स्मारयति नहीं बना, देवदत्तेन स्मारयति बना, क्योंकि ज्ञान विशेष का ग्रहण सूत्र में नहीं किया गया है, बुद्धि शब्द से ज्ञान सामान्य का ही ग्रहण किया गया है। इतना समझ में आया? अब यहां पर एक विशेष बात बता रहे हैं, कह रहे हैं शब्दायतेरना, शब्द जो है एक प्रातिपदिक है, ठीक है, प्रातिपदिक ये एक संज्ञा है, और जब इसमें क्यंग प्रत्यय लगा दिया जाता है और दीर्घ करके रूप बन जाता है शब्दाय, ठीक है। इसका मतलब क्या है शब्दाय का? शब्दम करोति, ये मतलब शब्द करता है, ठीक है। यदि हम कहेंगे शब्दायते, इसका मतलब भी वही होगा यहां पर, क्योंकि और एक धातु बन गई है और यहां पर ये कर्म है, ठीक है, मतलब एक संज्ञा है, प्रातिपदिक है, और क्री धातु है, इसमें क्री धातु का कर्म है ये, ठीक है। शब्दम करोति, शब्द करता है, और यहां पर ये खुद ही एक जो है धातु बन गई है शब्दायते, ठीक है, शब्द करता है, इसका मतलब भी वही है। बात समझ में आई? तो शब्दायतेर्न, तो वही यहां पर कह रहे कि शब्दाय धातु का प्रयोग जब होगा तो वहां पर भी उसके अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में जो है कर्म संज्ञा नहीं होगी। अब सामान्य वाक्य क्या था? देवदत्त शब्दायते, इसमें हमने किया अनिच प्रत्यय शब्दाय धातु में, तो क्या बना? शब्दा यति, ये बना। और इसका जो कर्ता है देवदत्त, ये अण्यंत अवस्था का कर्ता है, और इसकी अणिच प्रत्यय लगने के बाद कर्म संज्ञा हो जानी चाहिए थी, लेकिन शब्दाय धातु का प्रयोग जब किया जाएगा तो इस देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं होगी बल्कि करण संज्ञा होगी,
कर्तृकरणी उस तृतीया से इसलिए रूप बनेगा देवदत्तेन शब्दायते, देवदत्तेन शब्दायति। ठीक है, तो यहां पर ये इसी के लिए स्पेशली वार्तिक बनाया गया कि देवदत्त शब्द की अण्यंत अवस्था में भले ही वो कर्ता हो लेकिन ऋणंत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी शब्दाय धातु के प्रयोग में। ठीक है, अब ये शब्दाय जो धातु बनी ये सकर्मक बनी या अकर्मक बनी? ठीक है, और अकर्मक भी बनी तो किस प्रकार की बनी ये यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए, हमने जाना था कि धातु में दो प्रकार की होंगी, एक सकर्मक जिसमें कर्म हो और एक अकर्मक जिसमें कर्म न हो। अब अकर्मक की दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक तो वह कि जिसमें कर्म लग ही नहीं सकता, किसी भी समय किसी भी काल में कर्म लग ही नहीं सकता। ठीक है, कर्म की जहां पर असंभावना है कर्म नहीं लगेगा। और दूसरा ये कि कर्म लग तो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारी विवक्षा नहीं है कर्म की, वहां पर योग्यता तो है लेकिन हमारी विवक्षा नहीं है, बोलने की इच्छा नहीं है। जैसे एक वाक्य है, बालक है पुस्तकम पठति, और यहां पर पुस्तकम कर्म है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कर्म का प्रयोग करूं, मैं सीधे सीधे बोल देता हूं बालक है पठति, तो यहां पर मैंने कर्म नहीं बोला। इसका मतलब ये नहीं है कि पठ धातु में कर्म नहीं लग सकता और पठ धातु अकर्मक हो गई, मैंने सिर्फ बालकम पठति कहा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पठ धातु में कर्म नहीं लग सकता, पठ धातु अकर्मक है, बल्कि यहां पर सिर्फ कहने का मतलब यह है कि पठ धातु सकर्मक है, कर्म लग सकता है जब जब चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मेरी बोलने की इच्छा नहीं है कि मैं कर्म का प्रयोग करूं, इसलिए मैंने सीधे वाक्य बोल दिया बालकम बालक है पठती। ठीक है, तो यहां पर एक धातु में वो हो गई जिनमें कर्म तो लग सकता है लेकिन कर्म बोलने की इच्छा नहीं है, विवक्षा नहीं है। ठीक है, और एक धातु में वो होती हैं जिसे शब्दाय धातु है, जहां पर शब्द ही कर्म बन जाए। ठीक है, शब्द कर्म के रूप में आ जाए, जैसे शब्दम करोति ये वाक्य था, अब इसमें शब्द क्या था, कर्म था, लेकिन जब ये धातु बन गया तो शब्द ही क्या बन गया, धातु बन गया। ठीक है, और जब शब्द ही एक धातु के रूप में, शब्द का अर्थ ही एक धातु के अर्थ के रूप में परिवर्तित हो जाए तो ये धातुएं भी अकर्मक हो जाया करती हैं। अब ये धातु सकर्मक नहीं रही, अब ये अकर्मक धातु बन गई, क्योंकि शब्द ही यहां पर कर्म के रूप में उपस्थित हो गया। ठीक है, धातु के अर्थ के रूप में शब्द ही वहां पर उपस्थित हो गया, तो इसलिए ये धातु भी अकर्मक हो जाएंगी। शब्दम करोति, इसमें क्री धातु का कर्म शब्द था, ठीक है, लेकिन जब शब्द ही कर्म बन गया, शब्द कर्म ही जो है धातु बन गया, तो वहां पर वो जो धातु बनेगी नहीं, वो अकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगी। तो इसी को आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति ही, अर्थात जिन धातुओं के अर्थ में कर्म संग्रहित होता है, धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्वेन, जिन धातुओं के अर्थ में कर्म संग्रहित होता है तो उन धातुओं में अकर्मकत्व की प्राप्ति होती है, वे धातुएं अकर्मक कही जाती हैं। जैसे कि शब्दाय धातु, शब्दाय धातु में कर्म संग्रहित हो गया, शब्दम करोति शब्द एक कर्म था लेकिन वह धातु के अर्थ में संग्रहित हो गया, इसलिए ये अकर्मक धातु कहलाई जाएगी। अब यहां पर कह रहे हैं दो प्रकार की धातुएं हमने जाना था, अकर्मक में भी दो प्रकार के रूप हमने जाने थे, एक तो कर्म जिसमें लग ही नहीं सकता, देश काल आदि भिन्नम कर्मम न संभवति, जिन धातुओं में देश काल, ठीक है, आपने अभी जो रूप पढ़ा यहां पे लिखा है ना शब्द कर्म, इस शब्द कर्म का उदाहरण हमने अभी जाना शब्दायते जो था। ठीक है, अब ये अकर्मक जो कहा गया है आगे, ये देखिए अकर्मकानाम, अब इस अकर्मक के बारे में बता रहे हैं कि ये शाम देश कालादि भिन्नम, कि जिनमें देश और काल से अतिरिक्त कर्म संभव हो ही नहीं सकता, कर्म संभव न भवति। ठीक है, मतलब यदि उन धातुओं का कर्म कोई बन सकता है तो वो देशवाची शब्द या कालवाची शब्द ही बन सकता है, और कोई अन्य उनका कर्म बन ही नहीं सकता, उन धातुओं को भी यहां पर अकर्मक कहा गया है, ते अत्र अकर्मकाः। ठीक है, बल्कि इसके अलावा उन धातुओं को अकर्मक यहां पर नहीं कहा गया है, न तो अववक्षित कर्माणोपि, जिनमें कर्म होने की संभावना थी लेकिन विवक्षा नहीं थी, बोलने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसमें हमने कर्म नहीं लगाया, उन धातुओं को यहां पर अकर्मक नहीं कहा गया है। अकर्मक उन्हें यहां पर कहा गया है जिनमें देशवाची और कालवाची शब्दों के अतिरिक्त और कोई कर्म बन ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मासम आसगति देवदत्तम,
अब इसमें जो धातु है वो कौन सी है? आस, उपवेशने, ये अकर्मक धातु है। अकर्मक धातु कहने का मतलब यहां पर वह है जिनका कर्म केवल देशवाची और कालवाची हो सकता है, इसके अलावा जिसका और कोई कर्म हो ही नहीं सकता, वो अकर्मक धातु के रूप में यहां पर ग्रहण की गई है। अब यदि आस धातु का कर्म देशवाची और कालवाची में से कोई हो तो ये धातु अकर्मक कही जाएगी। इसके अलावा और कोई अन्य कर्म होगा, देशवाची शब्द या कालवाची शब्द के अलावा कोई अन्य कर्म होगा, देशवाची शब्द जैसे भारत, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये देशवाची शब्द हैं। कालवाची शब्द जैसे महीना, पक्ष, घंटा, मिनट, साल, ये कालवाची शब्द हैं। अगर कर्म होंगे अकर्मक धातुओं के तो ये दोनों ही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई कर्म माने ही नहीं जाएंगे। अगर ये दोनों कर्म हुए तब भी कर्म होते हुए भी ये धातु अकर्मक कही जाएंगी। अब यहां पर उदाहरण के माध्यम से बता रही हैं। मान लीजिए हम एक वाक्य लेते हैं, सिंपल वाक्य, देवदत्त, ये सिंपल वाक्य है, देवदत्त मासम आस्ते, कि देवदत्त जो है वो महीने भर बैठता है। महीना भर जो है, मासम जो शब्द है ये कालवाची शब्द है। अब आस धातु जो है वो अकर्मक है, कालवाची शब्द प्रयोग होने के कारण, कालवाची कर्म होने के बावजूद, ठीक है, क्योंकि हमें छूट मिली हुई है कि कालवाची शब्द और देशवाची शब्दों के प्रयोग में जो है कोई भी धातु अकर्मक मानी जा सकती है, इनके अलावा और कोई कर्म उसका नहीं होना चाहिए, और इस आस धातु का कर्ता कौन है? देवदत्त है। अब यदि हम इसमें लगाते हैं णिच् प्रत्यय तो क्या बनता है? आसयति, और सूत्र में आया ही है, ठीक है, अकर्मक अणि कर्ता सर्णो, अकर्मक धातुओं का कर्ता अण्यंत अवस्था का कर्ता, अण्यंत अवस्था में कर्म बन सकता है, ठीक है, और अकर्मक की धातु है ही, तो इसका कर्ता जो है देवदत्त, वो क्या बन जाएगा? कर्म संज्ञा इसकी हो जाएगी और क्या बन जाएगा? देवदत्तम, देवदत्तम मासम आसयति, जो यहां पर लिखा हुआ है मासम आसयति देवदत्तम, ठीक है। तो इस प्रकार से अकर्मक धातुओं के बारे में इन्होंने बताया। यहां पर आगे कह रहे हैं इत्यादो कर्मत कर्मत्वम भवति, इन इस प्रकार के अन्य धातुओं में भी, अन्य अकर्मक धातुओं में भी जो है उनके अणित अवस्था के कर्ता की भी ऋणंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी, यदि उन अकर्मक धातुओं का कर्म सामान्य वाक्य में अणियंता अवस्था में देशवाची या कालवाची ही रहा हो तो, उसके अलावा और किसी अकर्म की संभावना ना हो तो, ठीक है। आगे कह रहे हैं देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न। अब एक बड़ी कंफ्यूजन जो थी वो भी इन्होंने यहां पर दूर कर दी है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे। अब यहां पर देखिए पच धातु है, लेकिन पच धातु का प्रयोग हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम करते हैं पाचकः, या सामान्य उदाहरण ही देते हैं, देवदत्त सबसे बढ़िया व्यक्ति है व्याकरण के क्षेत्र में, तो देवदत्त पचति हमने कह दिया, देवदत्त पकाता है। अब क्या पच धातु का कर्म नहीं हो सकता? क्या पच धातु में कर्म आने की संभावना नहीं है? है, यदि हम बोलते हैं कि देवदत्त क्या पकाता है तो हमारे पास कर्म उपस्थित हो जाएगा, भोजनम, कि वो भोजन बनाता है तो भोजन कर्म बन जाएगा। लेकिन हमने हमें कर्म बोलने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, कर्म की अविवक्षा थी हमारे अंदर, हमने कहा हम कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे देवदत्त है पचति, तो सब समझ जाएंगे देवदत्त पका रहा, तो कुछ ना कुछ पका रहा, तो भोजन ही पका रहा होगा, तो हमने कहा देवदत्त है पचति, और इसलिए हमने उसमें कर्म की जो है विवक्षा न होने के कारण कर्म का प्रयोग नहीं किया, और कर्म का प्रयोग न करने के कारण ऐसा नहीं हुआ कि पच धातु जो है वो अकर्मक बन गई, पच धातु सकर्मक ही रही, लेकिन हमने कर्म की विवक्षा न होने के कारण उसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया। तो जब इस पच धातु में णिच् प्रत्यय लगाया गया, इसको ऋण्यंतावस्था में लाया गया पाचयति, और यहां पर भी हमारे अंदर कर्म की विवक्षा नहीं हुई, तो भी इस पच धातु के अण्यंतावस्था के कर्ता की ण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये धातु कर्म की अविवक्षा में अकर्मक नहीं हो जाया करती हैं। धातुएं पट धातु है, ठीक है, पट धातु जो है कर्म की अविवक्षा में अकर्मक नहीं हो जाएगी। किम पठति कहेंगे तो पाठम पठति, कर्म आ जाएगा वहां पर, लेकिन आस धातु है, ठीक है, शी धातु है, इन धातुओं में तो कितनी ही तुम कर्म लाने की इच्छा कर लो, कितनी
कितनी ही कर्म लाने की कोशिश कर लो, नहीं आ सकता कर्म। सोता है, क्या सोता है, नहीं ला सकते कर्म। हाँ, यदि कर्म आ सकता है तो दो ही शब्द आ सकते हैं, या तो वो शब्द देशवाची हो सकता है या कालवाची हो सकता है। तो मास जो है वो कालवाची शब्द है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कुरून जो है स्वपिति, ठीक है, कुरु देश में सोता है, तो वो देशवाची शब्द है। तो देशवाची और कालवाची शब्द के अलावा इनका और कोई कर्म बन ही नहीं सकता, तो ये धातुएं अकर्मक हैं। लेकिन इन धातुओं का कर्म तो बन सकता है, और कर्म की अविवक्षा होने के कारण हम कर्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इन धातुओं के अण्यंत अवस्था की कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, ठीक है।